अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं किरण हान और आए नजर डालते हैं स्पोर्ट्स राउंडअप की जानिब। आर्टिस्ट बच्चे का मोहम्मद रिजवान को मुनफरिद हराज तहसीन, नोमर मराह ने मोहम्मद रिजवान का खूबसूरत स्केच बनाया। पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान को नोमर मराह का मुनफरिद हराज तहसीन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान को शानदार कारकर्दगी पर नोमर का आर्टिस्ट की जानिब से खराज तहसीन पेश किया गया। मोहम्मद रिजवान का खूबसूरत स्केच बना दिया, मोहम्मद रिजवान ने नोमर आर्टिस्ट के टैलेंट को दिल खोल कर सराहा। पाकिस्तानी टीम की हरकत से मेजबान बांग्लादेश में हंगामा। पाकिस्तानी टीम की एक हरकत से बांग्लादेश में हंगामा मच गया। दरअसल सीरीज से पहले एक प्रैक्टिस सेशन के दौरान मीरपुर मैदान पर पाकिस्तानी टीम ने अपने मुल्क का झंडा लगा दिया, जिस पर तनाज़ा पैदा हो गया। बांग्लादेश के कई मदाहों ने इसे मुल्क की आज़ादी के गोल्डन जुबली तकरीबात से पहले सियासी कदम बताया है। मदाहों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कई मुल्क कई बार बांग्लादेश आए हैं और बहुत से मैचेस खेले गए हैं, लेकिन किसी ने भी प्रैक्टिस सेशन में अपने मुल्क का झंडा ज़मीन पर नहीं लगाया। शुएब अख्तर को ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर्स का जूतों में शराब पीना एक आंख ना भाया। क्या फतह का जश्न मनाने का यह तरीका कदरे ना गवार नहीं है? साबिक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शुएब अख्तर को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर्स का जूतों में शराब पीना एक आंख ना भाया। साबिक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर करते हुए साथ में लिखा कि क्या फतह का जश्न मनाने का यह तरीका कदरे ना गवार नहीं है। वाजे रहे कि वर्ल्ड कप में फतह पर कैंगरो टीम के जश्न मनाने की वीडियो में मैथ्यू वेट और मार्क स्टिवनेस जूते में शराब पीते हुए साफ दिखाई दिए। फ्रेंचाइजेस को बड़े क्रिकेटर्स की अदम मौजूदगी का खदशा, डॉलर के रेट पर तहफ़ुज़ात हैं, दीगर लीगर्स की वजह से आम प्लेयर्स को लाना मुश्किल होगा। PSL फ्रेंचाइजेस को बड़े क्रिकेटर्स की अदम मौजूदगी का खदशा सताने लगा। मीडिया से गुफ्तगू में नदीम उमर ने कहा है कि PSL 7 के लिए हमारी तैयारियों का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 2 एडिशन कोरोना से मुतासिर हुए, इस बार सूरत-ए-हाल बेहतर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि PSL में खिलाड़ियों की नीलामी होती नज़र नहीं आती, अलबत्ता हमारी ज़रूर हो जाएगी। अपने तहफ़ुज़ात से PCB को पहले ही आगाह कर चुके, इम्कान है कि चेयरमैन रमीज़ राजा मामलात खुशअसलूबी से तय करने में कामयाब हो जाएंगे। बाबर आजम और शुएब मलिक के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और ऑलराउंडर शुएब मलिक के कोरोना टेस्ट से मनफी आ गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक कोरोना टेस्ट मनफी आने के बाद कप्तान बाबर आजम और ऑलराउंडर शुएब मलिक ने ढाका की टीम होटल में कौमी स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। कप्तान बाबर आजम और शुएब मलिक ने कौमी स्क्वाड के हमराह ट्रेनिंग सेशन में शिरकत की। एशिया सीरीज के पहले 2 टेस्ट मैचेस के लिए ऑस्ट्रेलवी स्क्वाड का ऐलान। इंग्लैंड के खिलाफ एशिया सीरीज के पहले 2 टेस्ट मैचेस के लिए ऑस्ट्रेलवी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक 15 रुकनी टीम की क्यादत टिम पेन करेंगे, जबकि पीट कैंपर्स नायब कप्तान होंगे। उस्मान ख्वाजा को भी टीम में शामिल कर लिया गया है, जबकि मिचेल मार्श स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। देसी टीवी यूएसए स्पोर्ट्स राउंडअप में अब तक लिए ताही मजीद बाहबरें निकले, देखते रहिए देसी टीवी यूएसए या फिर विजिट करें हमारी वेबसाइट www.desitvusa.com और क्लिक करें हमारे लिंक टू और सोशल मीडिया की लाह में दू दुनिया को देखिए।